हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तनु की रसोई क्रिएटिव आइडियाज के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुंबई की ये तीन स्पेशल ड्रिंक्स जो बहुत ज़्यादा यूनिक और हेल्दी हैं और पीने में उतनी ही डिलीशियस और देखने में ब्यूटीफुल भी हैं। तो चलिए चलते हैं, इन ड्रिंक्स को देखते हैं और देखते हैं इनको किस तरीके से बनाना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं हमारी ड्रिंक्स को बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम ये वाटरमेलन ड्रिंक बनाने के लिए एक ये स्पून ले लेंगे, और जो मेजरमेंट स्पून होती है गहरी सी, और इसको हम इस तरह से वाटरमेलन के अंदर करके सर्कल करके इस तरह से छोटे छोटे से बॉल्स निकाल देंगे, जैसे हम स्कूप से निकालते हैं आइसक्रीम स्कूप और उससे हमारे सर्कल्स निकल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें ये सारे निकाल लेने हैं। तो हमें यहाँ से 8 से 10 इसके अंदर से वन बाय वन करके ये पीसेस निकाल लेंगे। तो पहले ये मेरे एक बार में इतने निकले हैं, और इसका जो बचा हुआ जूस था वो मैंने एक ग्लास में कर लिया है। अब हम एक ग्लास लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर 1 टेबल स्पून रुआबज़ा डालेंगे। रुआबज़ा डालते वक्त मैं वीडियो ओपन करना भूल गई थी, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जो बचा हुआ जूस है वो ऐड किया है और थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारे जो ये बॉल्स बने हुए थे, हमने जो वाटरमेलन से निकाले थे, ये सब इसके अंदर डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 बॉल्स अपने एक ग्लास में डाल लिए हैं। अब इसके ऊपर हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून रुआबज़ा। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। रुआबज़ा डालने के बाद अब हम इसमें चिल्ड इसके अंदर डालेंगे ये हमारा सोडा वाटर। सोडा वाटर से इसका फ्लेवर एकदम डिलीशियस आता है। नीचे जाके ये थोड़ा सा स्वीट और ऊपर जाके थोड़ा सा एकदम से स्पाइस लुक देता है, क्योंकि सोडा से हमारा जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो हमारी ये वाटरमेलन ड्रिंक बनकर रेडी है, तो इंजॉय कीजिए इस ड्रिंक को। तो अब हम प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे अपना वाटरमेलन शेक, जो मुंबई स्टाइल में है। इसके लिए हम एक बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून पीसी हुई शुगर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम 1/2 ग्लास ऑफ मिल्क इसमें ऐड करेंगे। ये चिल्ड मिल्क मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको अच्छे से स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आइस क्यूब्स डालेंगे, तो आइस क्यूब्स इसमें अच्छे से आपको डालनी है। आइस क्यूब डालने के बाद हम अपना वाटरमेलन को यहाँ पर चॉप करेंगे। तो मैंने अभी जो ड्रिंक बनाया है, मैं उसी वाटरमेलन को अभी पहले इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमें इन्हें बारीक बारीक चॉप करना है, तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से हमें अपने सारे वाटरमेलन को, इसमें मैंने तकरीबन 3 स्लाइसेस ऑफ वाटरमेलन लिया है, हम उसको बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लेंगे और उसके सीड्स को अलग कर लेंगे। इसके बाद हम इन वाटरमेलन को इसके अंदर मिक्स करेंगे और स्पून की हेल्प से इसको अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रुआबज़ा। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून रुआबज़ा ऐड किया है, और अच्छे से अब इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये मुंबई स्टाइल वाटरमेलन शेक बनकर रेडी है। तो चलिए आइए इसको सर्व करते हैं। इसको सर्व करने के लिए आप चाहें तो, अगर आपको स्वीट पसंद है थोड़ा ज़्यादा, तो इसमें हम थोड़ा सा रुआबज़ा और ऐड कर सकते हैं इसको गार्निश करने के लिए। तो ये देखिए हमारी ड्रिंक रेडी है। एप्पल शेक बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और बाउल में 1/2 ग्लास चिल्ड मिल्क ऐड करेंगे। अब हम इसमें पिसी हुई शुगर ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून पिसी हुई शुगर ऐड की है। अब इसको अच्छे से स्पून की सहायता से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको शुगर कम पसंद है तो आप इसमें कम ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम आइस क्यूब्स डालेंगे, तो अच्छे से आपको इस चिल्ड बनाने के लिए अच्छे से आइस क्यूब ऐड करनी है। अब मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून में थोड़ा सा केसर डालकर रख दिया था, जिससे वो अच्छे से इसके अंदर डिजोल्व हो जाए। अब हम वो केसर का मिल्क इसमें ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ पर एप्पल लेंगे, इसको पील कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 1/2 एप्पल लिया है, इसको मैं अब कद्दूकस की हेल्प से इसमें ग्रेट करके डाल लूंगी।
अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये हमारा एप्पल शेक रेडी है। तो चलिए इसको भी सर्व कर लेते हैं। तो है ना एकदम यूनिक और एकदम डिलीशियस और झटपट बनने वाला। इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा प्रिजर्वेटिव चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत डिलीशियस और टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो है ना ये तीनों ड्रिंक्स एकदम से यूनिक और बहुत ज़्यादा हेल्दी और झटपट बनकर तैयार भी हो जाती हैं, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। तो आप आज ही इनको अपने किचन में ज़रूर तैयार करके देखिए और सर्व कीजिए, ये सबको बहुत डिलीशियस और बहुत पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।